फिटनेस योगा में आपका स्वागत है। मैं योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा, आज आप फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वस्थ व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। करोड़ों रुपए हैं लेकिन शरीर हमारा ठीक नहीं तो हम अमीर नहीं हैं, गरीब हैं। तो चलिए आज एक ऐसे आसन की बात करते हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही बढ़िया। भुजंग आसन, कोबरा पोज। भुजंग आसन में आप क्या करें, नीचे बिछा करके मैट या अपनी चादर लेट जाएं, किसी भी आसन को खाली पेट करना, बिना कुछ खाए पिए। दोनों हाथ आप जमीन पर रखें और दोनों पैर पीछे से मिले हुए, पेट के बल लेट जाएं, श्वास को भरते हुए कोबरा की भांति ऊपर उठें। नाभि का हिस्सा जो है वो हमारे जमीन पे टच रहना चाहिए, टिका रहना चाहिए। इसमें आप 10 सेकंड से 20 सेकंड जितनी अपनी क्षमता है उतना रुकिए। धीरे धीरे अभ्यास के बाद इसकी आप समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं, 5 से 10 बार कम से कम इसको करें। अगर आप फिट हैं, सीवियर कमर दर्द बैकएक नहीं है तो आप इसको 5 से 10 बार अवश्य कर सकते हैं। स्लिप डिस्क की समस्या या स्पाइन की कोई विशेष समस्या हो तो इसे ना करें, किसी योग गुरु की देखरेख में करें। स्पाइन के लिए, पेट के लिए, जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है ये पेट को भी ठीक करता है, पेट कम करता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। और जब हम ऊपर उठते हैं श्वास भरते हुए तो ऊपर आसमान की ओर अवश्य देखें, रुकें थोड़ा सा तो गर्दन में भी खिंचाव आएगा, आपका सर्वाइकल भी ठीक रहेगा, आपके कंधे ठीक रहेंगे, आपकी कलाइयां ठीक रहेंगी। मन से एकाग्रचित होकर के और मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूं, हो गई हूं। अगर मन में अच्छा भाव है तो आप निश्चित रूप से ठीक हो सकते हैं। और कमर दर्द के लिए ये एक तरह से वायु जो कुपित होकर के हमारे सारे शरीर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, दर्द के लिए मेथी दाना आधा चम्मच आप रात को सोते समय पी सकते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। अगर आप दूध लेते हैं तो अच्छी हल्दी या तो घर पे पिसी हुई हो या फिर आप पतंजलि की हल्दी ठीक है वो ला सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे पीसिए। क्योंकि हल्दी में इतने कलर मिलाए जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो
आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया लाइक व शेयर करें। अगर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करें और शेयर कभी ना करें। हम वो ही कहेंगे, किसी पर दबाव देकर के लाइक नहीं करवाना। तो आज के लिए इतना ही।